नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के किसानों को दिया तुअर, उड़द और मसूर की खरीदी का आश्वासन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खातेगांव पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार खातेगांव आए चौहान का लोगों ने स्वागत किया। किसानों सहित अन्य ने मामाजी जिंदाबाद के नारे लगाए। खातेगांव के प्रमुख मार्गों व चौराहों से शिवराज वाहनों के काफिले के साथ डाक बंगला मैदान पहुंचे, जहां आम सभा हुई। संबोधन के दौरान चौहान ने देरी के लिए क्षमा मांगी। लखपति बहना, किसान, अतिथि शिक्षक, क्षेत्र में किसानों के लिए जल परियोजना आदि को लेकर बातें की। शिवराज ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई देता हूं कि आज रेवा परियोजना के कारण खातेगांव का 90% से भी ज्यादा इलाका सिंचित हो जाएगा। रेवा परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। सिंचाई की भरपूर व्यवस्था कर दी गई है। सोयाबीन, प्याज, आलू और सब्जी की फसलों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना की अनुमति अगर कोई राज्य मांगेगा तो केंद्र सरकार अनुमति देगी, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट के रेट के बीच जो अंतर है उसे सरकार बिना खरीदे भी किसान के खाते में डाल सके। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में 9 दिन नहीं होगी शयन आरती, गर्भगृह में बंद रहेगा प्रवेश। देवी आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होगा। शहर के देवी मंदिरों में महापर्व को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में नवरात्र के 9 दिन गर्भगृह में दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद रहेगा। गढ़कालिका, हरसिद्धि व भूखी माता मंदिर में नवरात्र के 9 दिन भक्तों के सहयोग से दीपमालिका प्रज्वलित की जाएगी। शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में 3 अक्टूबर की सुबह घटस्थापना के साथ नवरात्र का शुभारंभ होगा। इसके बाद 9 दिन तक माता का नितन्या श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर की परंपरा अनुसार नवरात्र के 9 दिन शयन आरती नहीं होगी। रात्रि में विशेष अभिषेक व पूजन किया जाएगा। सुबह 7 व शाम को 7 बजे आरती होगी। नवरात्र में प्रतिदिन शाम को 7 बजे भक्तों के सहयोग से दीपमालिका प्रज्वलित की जाएगी। इंदौर में मुफ्त प्लाट, बच्चों की पढ़ाई और दवा दिलाने के नाम पर मतांतरण की साजिश। ग्रामीण इलाके और तंग बस्तियों की महिलाओं बच्चियों के मतांतरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हीरानगर पुलिस ने एक क्रिश्चियन नेता को गिरफ्तार किया है। वह मुफ्त प्लाट पढ़ाई और दवा का लालच देकर क्रिश्चियन बनाने का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तार आरोपित पूर्व भी सनातन धर्म विरोधी संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा जा चुका है। घटना हीरानगर थाना अंतर्गत सुखलिया की है। हिंदू संगठन से जुड़े मानसिंह राजावत की शिकायत पर पास्टर थॉमस मैथ्यू की गिरफ्तारी हुई है। लौटते मानसून की बारिश से मध्य प्रदेश में बर्बाद हो रही फसलें, पकी कई सोयाबीन के खेतों में भरा पानी। हाल के दिनों की भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसा कहर ढाया कि किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद कर दी। किसान कुछ नहीं कर पा रहे। पकी हुई फसल पर लगातार हो रही वर्षा के कारण चारों ओर पानी ही पानी हो गया। खेतों ने तालाब का रूप ले लिया। ऐसे में किसान परेशान होता नजर आ रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों से झमाझम वर्षा होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं तालाब पूरी तरह भर चुके हैं। आष्टा में रामपुरा डैम भी अपना टारगेट छूने को अंतिम छोर पर खड़ा है। यही हालत रहे तो रामपुरा डैम जल्दी ही लबालब भरा जाएगा और ओवरफ्लो चालू हो जाएगा। 2 दिनों की जोरदार वर्षा से धान की फसल आड़ी होने लगी है। अधिकांश गांवों में इस साल 80-90% किसानों ने धान की रोपाई की है, जबकि सोयाबीन मात्र 10-20% ही किसानों ने बोया है। भोज विश्वविद्यालय से विद्यार्थी एक साथ 2 पाठ्यक्रम में कर सकते हैं पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से प्रदेश के विद्यार्थी अब एक साथ 2 पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। एक पाठ्यक्रम किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में है, जबकि दूसरा भोज विवि से दूरस्थ माध्यम के तहत है। विद्यार्थी चाहे तो एक साथ दोनों पाठ्यक्रम भोज विवि से भी पूरा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब तक यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में 88,000 नामांकन हुए हैं। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजधानी में जुटेंगे 17 राज्यों के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, उत्कृष्ट कार्यों को करेंगे साझा। देश भर के अलग अलग राज्यों के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े आईएएस अधिकारी सोमवार से राजधानी में जुटेंगे और अपने यहां के नवाचार और योजनाओं के बारे जानकारी साझा करेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से संचालित स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो दिवसीय राष्ट्रीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला का आयोजन सोमवार से होटल ताज लेक फ्रंट में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में केंद्रीय सचिव स्कूल शिक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों के शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना संचालक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य स्टार्स प्रोजेक्ट के राज्यों की नॉलेज शेयरिंग और शैक्षिक कार्यक्रम के तहत मौजूदा अंतराल और चुनौतियों की पहचान के साथ राज्यों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को एक दूसरे के साथ साझा कर अनुभव के आधार पर अन्य राज्यों में अपनाना भी है। गैस सिलेंडर लेने के लिए अब बताना होगा डिलीवरी कोड, सिम बदलने वालों को होगी परेशानी। एलपीजी की कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए नई व्यवस्था अनिवार्य होने जा रही है। गैस डिलीवरी के लिए कैश मेमो जारी होते समय उपभोक्ता के पंजीकृत नंबर पर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी पहुंचता है। ग्राहकों को डिलीवरी मैन को ये कोड उपलब्ध कराना होगा, जिसके बाद ही सिलेंडर उपलब्ध होगा। यह व्यवस्था जल्द ही अनिवार्य करने की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद से गैस सिलेंडर के ब्लैकमेलिंग पर भी रोक लगा सकेगी। बार बार सिम बदलने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इंदौर में अहिल्यापत योजना की जमीन को छोड़कर 8 गांवों में बाकी नक्शे हो सकेंगे पास। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में 8 गांवों की जमीनों पर 15 किलोमीटर लंबी आधुनिक अहिल्यापत सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही आसपास की जमीनों पर प्राधिकरण 5 योजनाएं भी विकसित करेगा। योजना को अंतिम रूप देने के बाद अब 8 गांवों की जमीनों के नक्शों और विकास अनुमति पर लगी रोक को हटा लिया गया है। योजना में चयनित जमीन को छोड़कर अन्य जमीनों पर नक्शे पास कराए जा सकेंगे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में योजना के आसपास तेजी से कई कॉलोनियां विकसित हो सकेंगी और पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायत का 4 हफ्ते में हो निराकरण, सभी थानों में लगाएं सीसीटीवी कैमरे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा आदेश जारी कर प्रदेश के सभी थानों में 4 हफ्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। थानों में इनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 1 महीने तक सहेज कर रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ शिकायत आने पर उसका 4 हफ्ते में निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी कहा कि वो 5 हफ्ते में यह बताए कि आदेश के पालन में क्या किया गया। बीआरटीएस पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, ऐसे में इसकी उपयोगिता जांचना जरूरी है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने बीआरटीएस की उपयोगिता जांचने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी को 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपना है। बीआरटीएस को लेकर हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं चल रही हैं। इंदौर बैतूल हाईवे पर ओवरलोड डंपर फंसने से रास्ता जाम, रात भर खड़ी रही बसें और वाहन। इंदौर बैतूल हाईवे पर खातेगांव क्षेत्र के संदलपुर फाटा में फोरलेन के अधूरे निर्माण वाले रास्ते में ओवरलोड डंपर फंसने से रविवार देर रात रास्ता जाम हो गया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लगने लगी। लंबी दूरी की यात्री बसें भी फंस गई, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वाहन चालक राजेश यादव, शफी आदि ने बताया, सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और स्थिति देखकर लौट गई। बाद में सुबह तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलने पर वाहन चालकों ने स्वयं रुपए एकत्रित किए और जेसीबी मशीन को बुलवाकर पास में खोदाई करवाई, जिससे धीरे धीरे आवागमन सुबह करीब 8:30 बजे सुचारू हुआ।